देश भर में जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया। गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चीनी महामारी के कारण हुए लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से लागू होगा और इसमें कुछ रियायतें भी दी जा सकती है। देश भर में सभी तरह के घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय विमानें रद्द रहेंगी, लेकिन घरेलू एयर एम्बुलेंस को इसमें छूट रहेंगी। मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट आदि सेवाएं भी बंद रहेंगी। हालांकि जरूरी वाहन जैसे स्वास्थ्य सेवाएं या प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाले वाहन पर छूट रहेंगी। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर कैंटीन सेवा चल सकती है तथा जो रेस्टोरेंट होम डिलीवरी की सेवा देने में सक्षम होंगे उन्हें अनुमति मिल सकती है। सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्क, थिएटर, बार आदि बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, खेल इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं इंटर स्टेट बसों को चलाने की अनुमति है। इसके साथ राज्यों के बीच तालमेल बिठाना जरूरी है। वहीं राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच चलने वाला यातायात भी शुरू किया जा सकता है। कौन सा क्षेत्र रेड जोन या फिर ग्रीन जोन में आएंगे इसका फैसला खुद राज्य सरकारें लेंगे। यह फैसला लेते हुए उन स्वास्थ्य विभाग के मानकों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना होगा। रेड और ऑरेंज जोन में कौन सा इलाका कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में आने चाहिए इसका फैसला जिला प्रशासन को करने का अधिकार होगा। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर चेकअप किया जाएगा। सभी जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक घूमने की मनाही होगी। इसमें स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी कि वे सख्ती से धारा 144 को लागू करें। आदेशानुसार यह भी कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बहुत जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें। इस कंटेनमेंट जोन में जरूरी सुविधा हालांकि उपलब्ध रहेगी। आपको बता दें कि निर्देशों में आरोग्य सेतु ऐप का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह ऐप संभावित खतरे की जानकारी देकर ढाल का काम करती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी इस ऐप का अवश्य इस्तेमाल करें। जिला प्रशासन को भी यह निर्देश दिया गया है कि वह इस ऐप के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करे। साथ ही राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जरूरी सामान वाले ट्रकों, एम्बुलेंसों को न रोकें तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाज़त दी जाए। साथ ही साथ सभी नागरिकों को गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा। तो चलिए, इस तरह का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबा दें। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य करें क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है आप तक ऑथेंटिक खबर पहुंचाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।